कहा ना तुमसे कि हमारी कंडीशन अभी सही नहीं है, कि हम अच्छे घर में शिफ्ट करें। तुम पहली बार हमारे घर आई हो, खाली हाथ थोड़ी ना जाने दूंगी। आ जाओ, खाना लगा दिया मैंने। जब बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। शुभ की तिजोरी में मैंने बहुत सारा पैसा देखा है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नीनू चाय देना। नीनू कब से वेट कर रहा हो यार, चाय दे दो। नीनू क्या चाय चाय लगा के रखा है? कहां से बनाऊं चाय? आज घर में फिर से पानी नहीं है। बेकार में गुस्सा कर रही हो यार, इतनी छोटी सी बात है, मैं बाहर से लेकर आ जाता हूँ। इतनी सी छोटी बात नहीं है जय, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि ये घर चेंज कर देते, लेकिन तुम होगी मेरी बात ही नहीं सुनते हो। कभी लाइट नहीं है, कभी पानी नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। यार तुम सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ अब। मैंने कहा ना तुमसे कि हमारी कंडीशन अभी सही नहीं है, कि हम अच्छे घर में शिफ्ट करें। थोड़ा टाइम दो मुझे। एक साल हो गया है जय, और तुम मुझसे सिर्फ टाइम मांग रहे हो। इस गरीबी की हालत में तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी पड़ रही है मुझे। इससे अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। हाँ तो मैंने कहा था मुझसे शादी करने के लिए, मैंने की थी जबरदस्ती तुम्हारे साथ। तुम खुद अपना घर छोड़ के आई थी मुझसे शादी करने के लिए। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने गए गुजरे इंसान हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मुझे लगा था तुम शुभ के साथ घूमते हो तो शुभ जैसे अमीर होगे, लेकिन मैं गलत थी। इससे अच्छा होता मैं शुभ से शादी कर लेती। बहुत हो गया तुम्हारा। जय तुमने मुझे थप्पड़ मारा हो? अब देखो मैं क्या करती हूं। अपने घर वालों को छोड़ा, इस आदमी से शादी की मैंने, और उसका उसका ये सिला दिया मुझे, थप्पड़ मारा मुझे। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। नहीं जीना मुझे, बिल्कुल भी नहीं जीना मुझे। मीनू, 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 मीनू दरवाजा खोलो यार, यार गुस्से में हो गया मुझसे। मीनू, मीनू दरवाजा खोलो। मीनू, 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 नहीं 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 मीनू, मीनू, मीनू नहीं मीनू, I'm sorry यार, I'm sorry, please इसे निकालो। नीचे उतरो, sorry यार नीचे उतरो। छोड़ो मुझे। मीनू I'm sorry, मीनू, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद तुम्हें तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। क्या क्या सपने देखे थे जय मैंने, और तुमने तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। I'm sorry, मीनू,
तो मैंने ये सच छुपाया है कि मैं शुभजीत आमिर नहीं हूं, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा सच्चा रहा है। और रही बात मिडिल क्लास फैमिली की, तो मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं ना, बस थोड़े फंड्स की जरूरत है। फंड्स मिलना क्या इतना आसान है? कौन देगा तुम्हें फंड्स? मेरा दोस्त शुभ है ना, उससे मांगूंगा। उसके लिए 8-10 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। हम शाम को जा रहे हैं ना उसके घर पे, मैं बात करता हूं उससे। रिपोर्ट दिखाना इनके सर। डॉक्टर क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी हालत में काफी सुधार आया। That's good डॉक्टर, बट उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। देखो शुभ, ऐसे केसेस में कुछ भी पक्का नहीं होता। बहुत से केसेस ऐसे सामने आए हैं जिनमें रिपोर्ट्स के अनुसार मरीज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, पर फिर भी कोमा से बाहर नहीं आए होते, क्योंकि उनका दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वो ठीक हो चुके हैं। सेम थिंग कमल जी के साथ भी है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कल ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, हो सकता है कि इनको महीनों, सालों या पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़े। पर जिस तरह से आप इनकी देखभाल कर रही हैं वो रियली काबिले तारीफ है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सुना पापा आपने, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, है ना माँ? अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बेटा वो जय और मीनू का क्या हुआ? आज आने वाले थे ना? हाँ माँ, वो शाम को आ रहे हैं, मैं आते हुए इनको पिक कर लूंगा। चलो ठीक है। अच्छा मैं निकलता हूँ, टेक केयर माँ, लव यू, बाय माँ। वेलकम, आओ तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू। और जय कहाँ पे है? जय ऊपर है, रेडी हो रहा है। क्या तुम तैयार होकर बैठी हो और अभी तक तैयार हो रहा है? हाँ वो थोड़ा लेट लतीफ है, उससे थोड़ा वक्त लगता है। हाँ उससे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा शुभ एक बात बताओ। हाँ? जब भी आते हो किसी काम से आते हो, कभी कभार ऐसे ही आ जाया करो। यार तुम तो जानती हो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता या गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहते हो? गर्लफ्रेंड, वो भी मेरी। हाँ? यार तुम्हें अच्छे से मालूम है मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। सारा दिन यार काम में निकल जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। घर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही जिंदगी है मेरी। और तुम्हें तो पता ही है यार पापा का क्या हाल है, उनको भी टाइम देना पड़ता है। हाँ वो तो है, लेकिन हमेशा जैसे मिलने आते हो, कभी कभार मुझसे भी मिलने आ जाए करो, दिन भर बोरियत हो जाती है। मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड हूं ना। अरे शुभ आ गया तुम। अबे हमें आए तो जमाने हो गए, एक तुम हो कि तैयार होने का नाम नहीं ले रहे हो। बैठना, चाय पी के निकलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, माँ इंतजार कर रही है, चलो। कैसा लगा खाना? आंटी बहुत डिलीशियस है, सच बताऊं तो आपके हाथ का खाना खाके मम्मी की याद आ गई। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आ जाए करो, तुम्हें माँ की याद भी नहीं आएगी और मेरा भी मन लगा रहेगा। वैसे भी कभी कभार बोरियत सी होती है। पक्का आ जाऊंगी आंटी, लेकिन अगर बोरियत की बात है तो आप शुभ की शादी क्यों नहीं कर देती? ये अगर मेरी सुने तब ना, तुम ही समझाओ इसे। वैसे अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो बताओ, कल ही इसकी शादी करवा देती हूँ। नो 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 नो, नॉट अगेन माँ।
यार तुम हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ जाती हो। और मीनू तुम यार, तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या? सही तो कह रही आंटी, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, और आंटी इस घर को जरूरत है ना बहू की। अजय तुम क्यों चुप बैठे हो, समझाओ अपने दोस्त को। अब मैं क्या बोलूं आंटी, वहां पर एक बात है शुभ, शादी से पहले जितने मजे करने कर ले, क्योंकि शादी के बाद तेरी पूरी लाइफ वाइफ की डिमांड पूरी करने पे निकल जाएगी। जय यार एक बात बता, तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ यार ठीक चल रहा है, वो तुझे तो पता है ना मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला था, सब प्लान हो गया, बस थोड़े फंड्स की जरूरत है। मैंने बैंक से बात की है लोन की, पर यार कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। काश मैं तेरी हेल्प कर सकता जय, पर यार तू तो जानता है पापा का इलाज चल रहा है, और तू मानेगा नहीं कि हर हफ्ते लाखों का बिल आता है यार, और जब से पापा का एक्सीडेंट हुआ है ना तब से बिजनेस भी ठप पड़ गया। तुझे सच बताऊं कभी कभी ना समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं यार। तू चिल कर, इतनी टेंशन मत ले यार, मैं तुझसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, बस बता रहा था तुझे यार, तू मेरी इंस्पिरेशन है, तेरी प्रॉब्लम के आगे मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। तो बस अपना पापा का ध्यान रख, मैं संभाल लूंगा अपना। लव यू ब्रो। सच बताऊं तुझे, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं पापा ठीक भी हो पाएंगे नहीं। ऐसा क्यों बोल रहा है? नहीं समझ आता मुझे कुछ, बहुत बुरा लगता है, तुझे बयान नहीं कर सकता यार कितनी तकलीफ में रहता हूं। पर जब भी तुम दोनों के पास आता हूं दिल को बहुत सुकून मिलता है, सारी टेंशन ना चली जाती है कहीं पे। थैंक्स, तुम नहीं होता ना पता नहीं मेरा क्या होता। अब दिल छोटा मत कर, अचिल कर, इधर आ। कैसे हो आंटी? ये सब बेटा तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले की बात है, इन्हें किसी अर्जेंट काम से नासिक जाना था, टाइम कम होने की वजह से ये खुद ही गाड़ी लेकर निकल गए, और फिर वही रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। हिम्मत रखिए आंटी, भगवान ने चाहा ना तो अंकल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वैसे आप इनके लिए नर्स क्यों नहीं रख लेती? कैसी बात कर रही हो बेटा, मेरे होते हुए इनके लिए नर्स? नर्स तो सिर्फ देखभाल करती है, वो अपनापन, वो स्नेह जिसकी इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है वो तो सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ ना। आफ्टरऑल मैं इनकी बीवी हूँ, इनसे ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकती। मीनू चलो देर हो रही है। चलिए आंटी मैं निकलती हूँ। अरे रुको बेटा एक मिनट। ये तुम्हारे लिए। आंटी इसकी क्या जरूरत थी? तुम पहली बार हमारे घर आई हो, खाली हाथ थोड़ी ना जाने दूंगी। थैंक यू। वेलकम। चले शुभ। जय है? जय तो नहीं है बट वो आते ही होगा, आओ। ए, मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी। डोंट वरी, आई एम हियर। हां मुझे प्लीज मेरे कमरे में छोड़ दो प्लीज, उठा नहीं जा रहा। तुम रुको मैं मेडिसिन लेके आता हूँ।
क्या कर रही हो तुम? लगा तो इतनी घटिया औरत निकलेगी, बंदा तुझसे शादी नहीं करता कभी। मैं जय पागल हो गए हो क्या? होश में तो हो? नहीं था होश में अब तक, पर अब आ गया हूं। पिछले दो दिन से पूछा कर रहा हूं तुम लोग का, सब देखा है मैंने। कहां मूवी देखने जाते हो, कहां खाना खाने जाते हो, सब पता है मुझे। और ये चेन किसने दी? हां शुभ ने दी। मुझे नहीं लगा था तू इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। धोखा तुमने मुझे दिया जय, मैंने नहीं। तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अमीर नहीं हो, एक मामूली सी नौकरी करने वाले आम आदमी हो। तुमने मुझे बताया, शुभ की चीजों को अपनी चीज बताकर तुमने ये एहसास दिलाया कि तुम अमीर हो। तुमने ये मुझे एहसास दिलाया कि तुम मुझे रानी बनाकर रखोगे। तुमने वे वादे किए थे कि तुम मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करोगे, और बदले में मुझे क्या मिला? ये गरीबी, मामूली सी जिंदगी। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने गरीब हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अरे तो छोड़ देती ना मुझे, नहीं रहती मेरे साथ। ये सब करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ पैसा ही दिखता है क्या? हाँ मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है? अरे प्यार तो सच्चा है ना मेरा? प्यार मैं भी करती हूँ तुमसे। दूर रहो, पहले दूर रह के बात करो मुझसे। जय मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आज ये सब नाटक बंद कर, नाटक बंद कर ये सब। प्लीज अंडरस्टैंड जय, मैं शुभ के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए हूँ, क्योंकि वो मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करता है। तुमने मुझसे कहा था ना, इधर देखो, तुमने मुझसे क्या कहा था कि जिस दिन तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तुम मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करोगी। कहा था ना,
जिस दिन ऐसा होगा ना जय, मैं खुशी खुशी शिव को अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से निकाल दूंगी। ऐसा चाहिए तुम्हें? ठीक है, अब मैं तुम्हें अमीर बन के दिखाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हेलो। हे बड़ी, कैसा है? मैं ठीक हूँ यार। मुझे तुझसे कुछ काम था। बोल। यार मुझे ना जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है ऑफिस के, तो तू और मीनू यहाँ पे आ सकते हैं क्या मॉम डैड का ख्याल रखने के लिए? ठीक है, देख सो मीनू का तो नहीं कह सकता पर मैं आ जाऊंगा। दिल्ली जा, अपना काम संभाल, घर की चिंता मुझ पर छोड़ दे। थैंक्स अ लॉट बड़ी, चल सी यू सून, टेक केयर। माँ, मैंने जय को बोल दिया वो शाम को आ जाए। चलो अच्छा है। और मीनू? हाँ मीनू नहीं आ पाएगी, सिर्फ जय ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, तुम निकलो, तुम्हें देरी हो रही होगी। लव यू मॉम। लव यू टू। बाय मॉम। बाय। नमस्ते बेटा, आ जाओ। जी। बताइए आंटी क्या करना है? करना कुछ नहीं है, तुम बस अपने अंकल के पास बैठो, मैं तब तक डिनर लगाती हूँ। जी। वो आंटी मैं आपके लिए कुछ लेके आया था। दरअसल पिछली बार खाली हाथ आया था तो सोचा इस बार कुछ लेके चलूं। लीजिए ना। मैं आता हूँ अंकल के पास। कुछ ढूंढ नहीं रहा था आंटी, वो अंकल का सर पिलो से बाहर आ गया था तो ठीक कर रहा था। चलो कोई नहीं, आ जाओ, खाना लगा दिया मैंने। जी आंटी। आंटी जी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुम्हें पसंद है ना? लीजिए ना। मैं नहीं पीती आंटी जी, मुझे शुभ ने सब बताया हुआ है कि आप और अंकल मिलके कभी कभी रात में पिया करते थे। लीजिए ना। नहीं बेटा, मुझे सच में नहीं पीनी। देखिए आंटी जी, मैं जानता हूँ अंकल जी के एक्सीडेंट के बाद आपकी जिंदगी रुक सी गई। आपको याद है लास्ट टाइम आप खुल के कब हंसी थी? नहीं ना। देखिए आंटी जी, मैं अंकल को तो ठीक नहीं कर सकता पर हाँ आपको खुश करने की कोशिश पूरी कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं ये वाइन लेकर आया था। आपको पता है आप ऐसे रहते हो तो शुभ को भी अच्छा नहीं लगता। ले लीजिए ना।
थैंक यू। जय तुम बहुत जिद्दी हो। जिद्दी नहीं हूँ आंटी, बस आपका दुख बांटने की कोशिश कर रहा था। आपको तो ये ध्यान भी नहीं है कि आपने अपनी हालत क्या बना ली। आपको पता है अंकल जी के एक्सीडेंट से पहले आप कितना खुश रहती थी, आपके चेहरे से स्माइल तक नहीं जाती थी, और अब आप हंसना भूल गई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमारी खुशियों को नजर लग गई है किसी की। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा, मैं थक चुकी हूँ। छोड़िए ना हड्डी अब। चेस है, कभी कभार ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं बहुत अकेली हो गई हूं। इतना अकेलापन तो मैंने कभी महसूस नहीं किया, और कभी कभार तो दिल करता है जैसे कि मैं खुदकुशी कर लूं। आंटी जी कैसी बातें कर रहे हो आप, हम सब है ना आपके साथ। अब बोलिए क्या चाहिए आपको, मैं करूंगा आपकी इच्छा पूरी, बोलिए। नहीं नहीं क्या कर दिया। कॉफी। तुम तो होश में थे, मुझे रोका क्यों नहीं? इतना पैनिक क्यों हो रहे हो आंटी आप? होता रहता है। ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया? देखो हमारे बीच जो भी हुआ वो हम दोनों के बीच में रहे, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और ना ये वीडियो मैं किसी को दिखाने वाला हूँ। अरे डिलीट कर दू, ऐसे कैसे डिलीट कर दू? आपको पता है कितनी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में? मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? सिंपल सी बात है आंटी, मुझे पैसे चाहिए थे, फिलहाल 2 लाख दे दीजिए। कितने कमीने निकले तो? मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम? हाँ ठीक है, आपको कमीना आस्तीन का साफ धोखेबाज जो भी गाली देनी है आप बाद में दे दीजिएगा, पहले पैसे निकाल के दीजिए। वरना क्या है कि मैं वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा और फिर आपको पता है क्या होगा। जल्दी कीजिए, ये ले ट्रक, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसे कैसे शक्ल ना दिखाऊं? अरे एक मैं ही तो हूं जो आपका अकेलापन समझता है और उसे दूर कर सकता है। और आप चाहती हो मैं अपनी शक्ल ना दिखाऊं? ऐसा तो नहीं होगा, जब मेरा मन करेगा मैं तब आऊंगा। निकलो यहां से। अभी चलता हूं। निकलो यहां से। कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मीनू बोलो, ये तुम्हारे लिए, इसी की वजह से तुम शुभ के साथ हो ना, अब उसका साथ छोड़ दोगे? हे मां, कैसे हो आप? अरे मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे?
मैं ठीक हूँ। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जय आया था कि नहीं और उसने आपका ख्याल रखा कि नहीं। जय आया था ना बेटा। एक काम करो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ। निकलो यहां से। जय है घर पे? नहीं जय नहीं है, तुम बाद में आना। मुझे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है। पर मुझे बात करनी है। नहीं क्या लगा रखा तुमने ये सब कुछ? ना ही तुम मेरा फोन पिक करती हो, ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब देती हो, अब तो तुमने मुझे ब्लॉक तक कर दिया। बताओ क्यों इग्नोर कर रही हो तुम मुझे? आई एम सॉरी शुभ, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ तुम प्लीज उसे भूल जाओ। मैं और जय को धोखा नहीं दे सकती। बात करो पूरी। शुभ प्लीज समझने की कोशिश करो, अगर जय को हम दोनों के बारे में पता चल गया तो मैं उसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी, और तुम भी तो दोस्त हो ना उसके, क्या तुम उससे नजरें मिला पाओगे? नहीं ना, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। प्लीज तुम सब कुछ भूल जाओ और कभी यहां पे मत आना। तुम फिर आ गए। देखो मैं तुम्हें एक रुपया नहीं देने वाली, चले जाओ यहां से। अच्छा आपने बोला और मैं मान गया है? ड्रामे बंद करो, पैसे निकाल के ला। मैंने कहा ना मैं तुम्हें एक रुपया भी नहीं दूंगी। ठीक है ये किस्सा खत्म करते हैं आज। मैं ये वीडियो डिलीट कर देता हूँ और आज के बाद इस घर पे भी नहीं आऊंगा। चलेगा? उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 10 लाख तो क्या, मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी। लगता है उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर होती हुई दिख रही है। ये वीडियो याद है ना? ऑनलाइन डाल दी तो पता है क्या होगा। और सोचो अगर शुभ ने ये वीडियो देख ली, चारा क्या करेगा? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और ब्लैकमेलिंग के केस में तुम्हें अंदर करवा दूंगी, सुन रहे हो? अरे क्यों दिमाग खराब कर रही हो आंटी, मूड खराब है तो बोलो ना, आओ ठीक कर देता। हाथ छोड़ो मेरा, काफी दिन से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ लेकिन अब नहीं। चुपचाप से यहाँ से चल जाओ, और अगर आज के बाद इस घर में कदम रखा ना तो तुम्हें अंदर करवा दूंगी। ज्यादा दिमाग चलाने लग गई है ना, बताता हूं तुझे।
माँ माँ क्या हुआ माँ 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 क्या बोलूँ माँ माँ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। तुमने बॉडी को कब देखा? आधा घंटा पहले, जब मैं घर आया था। और कौन कौन रहता है घर में? मैं, पापा और माँ। पापा का एक साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, तब से वो कोमा में है। तब से माँ ही उनकी देखभाल किया करती थी। कमरा कहाँ है पापा का? आपकी माँ को आपने आखिरी बार कब देखा था? आई मीन जब वो जिंदा थी। सर कल सुबह जब मैं ऑफिस गया था। आप कहाँ थे कल रात? मैं अपने दोस्त के घर था पूरी रात। अजीब बात है, यहाँ आपके फादर कोमा में हैं, आपकी माँ अकेली उनकी देखभाल करती है और आप रात भर नहीं आए। कोई खास वजह? आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलिए। ये आदमी कौन है इनके साथ? ये मेरा दोस्त है छे। कल शाम को ये वीडियो मुझे मिला था जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया इन दोनों पर, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था उस वक्त मैं क्या करूं। तभी मैं अपने दोस्त के घर चला गया ताकि मैं आराम से सोचूं कि मुझे इस सिचुएशन को कैसे फेस करना है। जब मैं आज सुबह घर आया था, माँ कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में तुमने ही अपनी माँ को? नहीं सर, मेरी माँ बहुत अच्छी थी और मैं तो उसे बहुत चाहता था। मेरी माँ तो लाखों में एक थी सर, पर वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। जरूर उस जय ने कुछ किया होगा सर। अपने दोस्त की माँ के साथ में ऐसी हरकत करते हो, शर्म नहीं आई तुझे? पहले उसके जज्बातों के साथ में खेला, उसे ब्लैकमेल किया और फिर मार दिया उसे। नहीं सर, मैंने आंटी जी को नहीं मारा है। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया उनके साथ, पर वो सिर्फ सूप से बदला लेने के लिए किया था। मैंने पहले मैं पूर्णिमा आंटी जी के साथ रिलेशन में आया, उसके बाद मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया, इससे मेरा बदला भी पूरा हो गया और मैंने थोड़े पैसे भी बनाए। पर सर मेरा भरोसा कीजिए, मैंने उनका खून नहीं किया। कहीं तुमने तो नहीं मारा पूर्णिमा को? जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पति का अवैध रिश्ता है उनके साथ में, तो गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम। नहीं सर, मैंने पूर्णिमा आंटी को नहीं मारा। मैंने जैसे कहा था ये सब करने के लिए। उस दिन जब पूर्णिमा आंटी मुझे गिफ्ट दे रही थी तो मैंने उनके लॉकर में बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी देखी और मुझे लगा शुभ बहुत अमीर है, तो मैंने उसे फंसाने का प्लान बनाया। शुभ मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन जय को इस बारे में पता चल गया सर, तो जय ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। तब मैंने जय को समझाया कि ऐसा चाहिए तुम्हें, ठीक है, अब मैं तुम्हें अमीर बन के दिखाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या करोगे? खून करोगे? डाका डालोगे? अरे करूंगा जो मुझे सही लगेगा, पर अब पैसे कमा करूंगा।
देखो मेरी बात सुनो, शांति से मेरी बात सुनो। शुभ की तिजोरी में मैंने बहुत सारा पैसा देखा है। तुम एक काम करो, शुभ से कुछ पैसे उधार ले लो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। वो नहीं देगा मैम, ट्राई कर चुका हूँ पहले। तो फिर एक ही रास्ता है, पूर्णिमा आंटी। सर मैं पूर्णिमा आंटी को क्यों मारूंगी? मैं तो पहले से पूर्णिमा आंटी और जय के रिलेशन के बारे में जानती थी। माना तुम लोगों ने पूर्णिमा को नहीं मारा, लेकिन जो गुनाह तुम लोगों ने किया है उसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। टॉर्च देना। नो मूवमेंट। क्या करी तुम? ध्यान से करो, अगर ये फेस पे गिर जाती तो हैमर देना। ये क्या कर रही हो तुम? अगर ये हैमर मेरे मुंह पर गिर जाता तो? पापा अब ठीक हो गए? आपको होश आ गया? ठीक तो ये बहुत पहले हो गए थे, बीमार होने का तो बस नाटक कर रहे थे। आप लोग? हाँ हम लोग। थैंक यू डॉक्टर। यू आर मोस्ट वेलकम। कमल जी की रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार वो बिल्कुल ठीक है, पर शायद उनका दिमाग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो ठीक हो चुके हैं, इसलिए वो कोमा में है। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर कि वो कोमा से बाहर आ गए हों और अभी भी नाटक कर रहे हों कि वो कोमा में ही? पर आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए हमने अच्छी तरीके से जाँच पड़ताल की, घर के आसपास जितने भी CCTV हैं सब चेक किए, यही पता चला कि जिस रात पूर्णिमा जी का मर्डर हुआ था घर में कोई नहीं आया, कोई फोर्स्ड एंट्री भी नहीं हुई। शुभ का भी यही कहना है कि जब वो दिन में घर लौटा तो दरवाजा अंदर से लॉक था, वो खुद लॉक खोलकर अंदर आया। बात बिल्कुल साफ है कि ये खून कमल नहीं किया है। अगर ये बात है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है सच बाहर निकलवाने का। और जैसा सोचा था वैसा ही निकला, अब सच यही बताओगे या जेल चलकर? बताइए पापा क्यों मारा आपने माँ को? बहुत प्यार करता था मैं पूर्णिमा से और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी, लेकिन उस रात जब मुझे होश आया पूर्णिमा पूर्णिमा उसी रात मैंने ठान लिया था कि मैं पूर्णिमा को कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था मौके का कि कब पूर्णिमा घर में अकेली हो और मैं उसे मार दूं। उस रात जब शुभ घर में नहीं आया तो आप ठीक हो गए, भगवान का शुक्र है आप ठीक हो गए। बंद कर अपना ये ड्रामा, सब देख चुका हूँ तेरे कारनामे। आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है, आप बैठिए ना। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है, अपनी ही आंखों से देखा है मैंने तुझे उस जाय के साथ। तुझे क्या लगा था मैं कभी भी ठीक नहीं होऊंगा? अरे तू मेरे घर में किसी और के साथ रंगरलियां मनाएगी और मैं देखता रहूंगा? नहीं पूर्णिमा, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। और फिर पूर्णिमा को मारने के बाद मैं फिर से आके अपने बेड पर लेट गया और ना ठीक होने का नाटक किया,
जिससे किसी को भी मुझ पर शक ना हो। काश तुम्हें पता होता कि तुम अपनी बीवी की वजह से ठीक हुए हो। रही बात उसके धोखा देने की, तो उसने तुमको धोखा नहीं दिया, वो तो जय उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। काश तुमने उनको मारने से पहले एक बार उनसे बात की होती, कि दर्द को समझा होता। ये क्या कह रहे हो तुम इंस्पेक्टर? ये सच बोल रहे हैं पापा। 365 दिन का हर एक लम्हा उन्होंने आपके नाम कर दिया और आपने ये दिला दिया उनको। I hate you, पापा। ये क्या कर दिया मैंने? अब जो पछतावा करना जेल में चलकर कर। और शुभ, कहीं ना कहीं सबके पीछे तुम भी जिम्मेदार। अगर तुमने अपने आप को कंट्रोल में रखा होता और मीनू के साथ में संबंध नहीं बनाए होते, शायद जय ये सब कुछ करता ही नहीं।